नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम तीन स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। तीनों स्टॉक की बात करें तो तीनों निफ्टी 50 वाले स्टॉक हैं। ऐसे में अगर आज के दिन देखा जाए तो दो स्टॉक एकदम अच्छी खासी रैली दिखा, जैसा कि NTPC और अगर वहीं पर हिंडाल्को की बात करें तो ये दोनों स्टॉक में लगभग देखा है तो 4% 5% के ऊपर जो है कि तेज़ी देखने को मिली। हालांकि वहीं पर अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं दोस्तों तो इस कंपनी का जो हमारा टारगेट प्राइस है बिफोर 5 अक्टूबर के पहले ये कंपनी हो सकता है दोस्तों मतलब 8000 के लेवल को टच कर सकती है। मतलब हमने इससे रिलेटेड भी रिसेंट में वीडियो भी बनाया है कि 5 अक्टूबर से पहले कंपनी जो कि फंड रेज से रिलेटेड डिस्कस करेगी दोस्तों, उससे पहले कंपनी 8000 के लेवल को टच करेगी। हालांकि वहीं पर अगर मैं ब्रोकर्स की बात करूँ तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने इस कंपनी का 9500 का और 8830 के आसपास का टारगेट दिया। हालांकि दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी 10000 के लेवल को भी टच कर सकती है। पहला स्टॉक हमारा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये कंपनी निफ्टी 50 वाली कंपनी है। क्या करती है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि मेटल सेक्टर में जो कि एल्युमिनियम से रिलेटेड आप कह सकते हैं जो कि कंपनी काम करती है। हालांकि दोस्तों आज के दिन देखेंगे तो निफ्टी 50 वाली ये कंपनी दोस्तों लगभग 6% के आसपास तेजी दिखाया था। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप अप ही ओपन होती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर मैं देखा जाए दोस्तों मतलब कि आज के दिन जो स्टॉक की बात करें इसका कंपटीटर दोस्तों टाटा की बात करें तो टाटा में भी 2% की तेज़ी देखने को मिली। वहीं पर अगर मैं टॉप गेनर की बात करूं तो 29 तारीख को जो कि NTPC अदानी तमाम आपको मतलब एनर्जी सेक्टर में आज के दिन एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, जैसा कि हिंडाल्को में भी आज के दिन देखने को मिला है। बाई करना है नहीं करना दोस्तों उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो है कि ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 14 सितंबर 2023 को 508 रुपये की प्राइस तक ये कंपनी गई थी। वहीं पर अगर मैं आज की हाई की बात करूँ तो आज की हाई जो है लगभग 494 रुपये देखने को मिल रहा है। मतलब जो 52 भी खाई है दोस्तों उसके आसपास ही कंपनी चल रही, मतलब देखा है तो बहुत लोअर लेवल पर कंपनी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर इस कंपनी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो वैल्यूम बनते हैं दोस्तों आप कह सकते हैं कि 10 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें देखा है तो 45% माल डिलीवरी में उठाया गया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि एक आप डिसेंट माल भी मान सकते हैं। कुछ लोगों को लगता होगा दोस्तों कि आज के दिन हिंडाल्को में ही तेजी देखने को मिली, तो ऐसा नहीं दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे तो आज के दिन मतलब हिंदुस्तान जिंक में भी तेजी देखने को मिली। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो हिंडाल्को में लगभग कह सकते हैं कि 6% के आसपास। यहाँ पे देखेंगे तो वेदांतम भी तेजी देखने को मिली। NMDC की बात करें तो इसमें भी तेजी देखने को मिली। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें तो इसमें भी तेजी देखने, मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि हो सकता है कि कोई तो न्यूज होगा जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को आज के दिन मिली है। हालांकि दोस्तों न्यूज के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी में जो 10 स्टॉक है दोस्तों वही जो कि मतलब एक अच्छा खासा मतलब कि आप कह सकते हैं कि डिसेंट रिटर्न बना के दे सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ओनली 9 निफ्टी स्टॉक जो कि हैं डबल डिजिट रिटर्न दे सकते हैं। कैन एक लार्ज कैप देखने को मिल सकते हैं Q3 में Q2 में आप कह सकते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो न्यूज़ की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एल्युमिनियम एक्सट्रैक्टेड मार्केट सेट जो कि इस कंपनी का सबसे बड़ा अगर मैं मार्केट की बात करें जो कंपनी बिजनेस करती है दोस्तों तो एल्युमिनियम से रिलेटेड ही करती है और जो कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं काउंटेड प्रोमिनेंट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है इस पर दोस्तों बता, देखिए जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है वो तो मतलब क्या करते हैं रैली का एंजॉय लेते हैं दोस्तों, लेकिन हाँ ऐसे में ये भी एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। ट्रेडिंग वाले स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो आप 5 दिन में चार्ट देखेंगे तो 3.5% की तेज़ी, मतलब कहने का क्या दोस्तों किसके पहले गिरावट आज की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर मैं 1 महीने की बात करूँ तो 1 महीने में 7 से 8% और चार्ट देखें दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा वैलिड है। मतलब क्या है कि जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है दोस्तों कमोडिटीज से रिलेटेड इस कंपनी से लिए मतलब कि न्यूज आते रहते हैं। वहीं पर अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में 26% और चार्ट देखेंगे दोस्तों कितना हैवी वॉलेटाइल था। मतलब जो रिटेशन इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं मेरे पॉइंट से दोस्तों, अगर आपके पास लॉन्ग टाइम की होरिजन लेके चल रहे हैं दोस्तों तो आप चाहे तो इसके बारे में सोच सकते हैं। वहीं पर अगर आप 5 साल में देखें दोस्तों तो मतलब 5 साल में कंपनी ने पैसे को डबल किया है। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि बहुत हेल्दी रिटर्न या फास्ट रिटर्न चाहिए तो ये कंपनी आप मतलब इस कंपनी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कि मेटल सेक्टर को बिलोंग करती है, कमोडिटीज से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड, एल्युमिनियम से रिलेटेड, मतलब जो भी दोस्तों ग्लोबल लेवल पे न्यूज आते हैं तो इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हुए दिख सकता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको उसी टाइप का चार्ट देखने को मिलेगा। तो चाहे तो दोस्तों जो नए इन्वेस्टर है इस कंपनी को इग्नोर कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अगला स्टॉक हमारा NTPC। NTPC की बात करें तो आज के दिन 4% मतलब देखा जाए तो लगभग ये कंपनी 6% के आसपास तेजी दिखाया था। जैसा कि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आज के दिन इस कंपनी ने एक ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई भी आप कह सकते हैं कंपनी ने लगाया। हालांकि दोस्तों ये कंपनी निफ्टी 50 वाली है, जैसा कि अगर कंपनी के 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 54% का रिटर्न बना के दिया। वहीं पर अगर मैं 5 साल की बात करूँ
तो 81%। मतलब दोस्तों एक पावर सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें देखा जाए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन रहता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें दोस्तों, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इस कंपनी का 290% 300% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। और चार्ट देखेंगे दोस्तों तो मतलब कितना वॉलेटाइल, मतलब क्या है, अगर एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों, मतलब अगर आप लॉन्ग टाइम के बारे में सोचते हैं तो देख सकते हैं मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी रिटर्न की लालच आप नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे अगर मैं कंपनी में तेज़ी क्यों है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि आज के दिन अगर मैं ICICI डायरेक्ट की बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि ICICI डायरेक्ट की बात करें तो उन्होंने 300 रुपये का मतलब इस कंपनी का टारगेट प्राइस दे दिया, जो कि आप यहाँ पे मेंशन भी है, देख सकते हैं कि ICICI डायरेक्ट की बात करें तो इन्होंने लगभग 300 रुपये इस कंपनी का टारगेट प्राइस दे दिया है, जो कि 800 मेगावाट दोस्तों फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगे, जो कि 1 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी की बात करें तो 6000 करोड़ जो कि डेडिकेट किया है। मतलब देखा है तो इन्हीं सारे न्यूज़ के कारण आज के दिन स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपको मतलब कि तमिलनाडु, तेलंगाना, मतलब साउथ की बात करें तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के कारण स्टॉक में जो है कि आज के दिन तेज़ी देखने को, जैसा कि स्टार्लिंग एंड विल्स की बात करें तो इसमें लगभग 1535 करोड़ का जो कि ऑर्डर देखने को मिला। विनर की बात करें तो NTPC देखने को मिला। पावर ग्रिड की बात, मतलब सारा जो कि सबका रिकॉर्ड आज के दिन देखा है तो NTPC ने तोड़ा है। अभी इस स्टॉक में बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले दोस्तों देखिए बाइंग करने वाली बात अगर हम कहें तो शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे न्यूज आते हैं, इस पॉइंट से देखेंगे तो कंपनी के चार्ट भी आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। हालांकि हाँ, अगर एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं दोस्तों, मतलब 5 से 10 सालों के बीच में अगर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी, बहुत सारा मतलब कि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी से काम होगा दोस्तों, तो इस कंपनी को हो सकता है कि आने वाले समय फ़ायदा हो सकता है। हालांकि दोस्तों अगर इस कंपनी में गिरावट होती है तो ये कंपनी अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो मेरे पॉइंट से दोस्तों ये कंपनी हो सकता है कि वही 200 के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ दोस्तों, तो ये कंपनी आने वाले समय में 350-400 तक भी जा सकती है। हालांकि 350-400 जाना इतना ईजी काम नहीं, इसमें अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकते हैं। वही पर अगला स्टॉक हमारा बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस देखा है दोस्तों सेक्टर का लीडर आप कह सकते हैं, और कंपनी की बात करें तो आज के दिन 1% के आसपास तेजी देखने को मिली। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तो आज के दिन 7848 के आसपास कंपनी गई थी। हालांकि कंपनी का जो ऑल टाइम हाई मतलब कहेंगे दोस्तों लगभग 8000 के आसपास देखने को मिलता है। लो की बात करें तो 5485 रुपये। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो मतलब पहले हमने रिसेंट में न्यूज़ देखा था दोस्तों कि 5 अक्टूबर को कंपनी फंड रेस से रिलेटेड डिस्कस करेगी। उसके पहले की न्यूज़ की बात कर दोस्तों तो अभी तक कंपनी जो मतलब रिटेल लोन बांटती थी दोस्तों, अभी जो है कि कॉमर्शियल व्हीकल की बात कर सो तो उसमें भी उतरते हुए दिख रहे थे। मतलब आने वाले समय दोस्तों इस कंपनी के लिए एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दोस्तों, तो इस कंपनी में जो भी निवेश करेगा दोस्तों, मतलब हो सकता है कि एक फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे तो कंपनी 1 बिलियन के आसपास जो कि मतलब फंड रेस करने का प्लान करें, मतलब 8,8500 करोड़ के आसपास कंपनी जो कि एक फंड रेस से रिलेटेड बात कर रही, जो कि इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेल अपॉर्चुनिटी मतलब देखा है तो उससे रिलेटेड हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यही है कि अगर आप कंपनी के 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 1.5% की तेजी देखने को मिली। वहीं पर अगर मैं 1 महीने की बात करूँ तो 7.5%, 6 महीने में देखेंगे दोस्तों तो 40% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। इस कंपनी में जो इन्वेस्टर निवेश करना चाहता है दोस्तों, मतलब मेरे पॉइंट से अगर 1 साल में देखेंगे तो एकदम फ्लैट, आज भी मतलब कि जो 1 साल पहले प्राइस था दोस्तों उसी के आसपास चल रही कंपनी। हालांकि ये कंपनी 3 साल में पैसे को डबल कर देती है। मतलब क्या है दोस्तों कि जिन्होंने इस कंपनी को 5400 की प्राइस पर निवेश किया होगा, 5500 की प्राइस पर निवेश किया होगा, आज उनको भी लगभग देखा तो 40% का रिटर्न मिल रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि 3 साल में ऑलमोस्ट ये कंपनी पैसे को डबल कर देती है। जैसा कि अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 250% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी एक साइड बेस पैटर्न में अभी भी चल रही है, तो अगर इस कंपनी में गिरावट होती दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि 7500 के आसपास, वर्स्ट कंडीशन की बात करें तो 7000 से 6900 के आसपास आ सकती है। हालांकि वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो ये कंपनी जल्द से जल्द 8000 के लेवल को टच कर सकती है। हाँ दोस्तों, ऐसे में जीरो टेस्टर को बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों, हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। हाँ, स्टॉक की बात करें दोस्तों, फास्ट रिटर्न और सेफ रिटर्न के बारे में जानना है दोस्तों तो बजाज फाइनेंसों के ऊपर, बजाज फाइनेंस के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना सकते हैं। हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।